नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज के वीडियो में हम लोग प्रीकास्ट कंक्रीट पाइप्स के बारे में जानने वाले हैं। प्रीकास्ट कंक्रीट पाइप्स, इसमें नॉन प्रेशर पाइप्स और प्रेशर पाइप्स आते हैं। और इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इनका मेनली इस्तेमाल वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट, ड्रेनेज, कलवर्ट्स, इसके बाद में इलेक्ट्रिकल डक्ट्स और कंडूट्स, इसके लिए किया जाता है। कभी कभी केबल लेइंग के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। इन पाइप्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे और इनका इस्तेमाल कहाँ होता है ये भी हम आज के वीडियो में देखेंगे। व्हाट आर प्रीकास्ट कंक्रीट पाइप्स? प्रीकास्ट कंक्रीट पाइप्स क्या है? प्रीकास्ट कंक्रीट पाइप एक टाइप के कंक्रीट पाइप्स हैं जो यार्ड में बनाए जाते हैं, और ये पाइप किसी भी रिक्वायर्ड लोडिंग कंडीशन के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं और टेस्ट किए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर नॉन प्रेशर पाइप्स, जिसको हम NP1, NP2, NP3, NP4 ऐसे बोलते हैं। ये नॉन प्रेशर पाइप्स आर जस्ट लाइक वर्क हॉर्सेस। ये मेनली ड्रेन के लिए, कलवर्ट के लिए, सीवेज के लिए, जो भी वेस्ट वाटर है उसके लिए, ड्रेनिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ये पाइप एक वेंट पाइप जैसे है और एक इलेक्ट्रिकल कंड्यूट के लिए भी और डक्ट के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। व्हाट इज़ प्रेशर पाइप? अभी हम देखेंगे प्रेशर पाइप क्या है। जो फ्लूइड रहता है उसको कैरी करने के लिए हाई प्रेशर में ये प्रेशर पाइप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हाई प्रेशर गैसेस प्रेशर पाइप के थ्रू कैरी किए जाते हैं। ये हाई प्रेशर वेपर, ये भी प्रेशर पाइप के थ्रू कैरी करके स्टोरेज बैंक में लिए जाते हैं। प्रेशर पाइप एक पाइप का सेट है जो फ्लूइड एट हाई प्रेशर कैरी करता है। प्रेशर पाइप इज अ सेट ऑफ पाइप्स विच आर यूज्ड टू कंटेन फ्लूइड एट हाई प्रेशर। प्रेशर पाइप का मेन उद्देश्य है टू कैरी फ्लूइड एट हाई प्रेशर। अभी हम देखेंगे प्रीकास्ट कंक्रीट पाइप का क्लासिफिकेशन। इसमें आप देख सकते हैं एक क्लास है, इसके बाद टाइप्स, इसके बाद डिस्क्रिप्शन और कंडीशंस वेयर नॉर्मली यूज्ड, मतलब उनका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला है NP1, ये इसका डिस्क्रिप्शन, अनरिइंफोर्स्ड कंक्रीट पाइप्स। और ये कहाँ यूज़ किया जाता है? फॉर ड्रेनेज एंड इरीगेशन यूज, अबव ग्राउंड और इन शैलो ट्रेंचेस, ऐसे ट्रेंचेस में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद है NP2 पाइप, NP2 नॉन प्रेशर पाइप्स। ये रिइंफोर्स्ड कंक्रीट लाइट ड्यूटी पाइप है और इसका इस्तेमाल फॉर ड्रेनेज एंड इरीगेशन यूज, फॉर क्रॉस ड्रेन्स, कलवर्ट्स, कैरिंग लाइट ट्रैफिक, जहाँ लाइट ट्रैफिक रहती है वहाँ ये NP2 का इस्तेमाल होता है। NP3 पाइप मतलब रिइंफोर्स्ड और अनरिइंफोर्स्ड कंक्रीट मीडियम ड्यूटी पाइप्स। ये मेनली ड्रेनेज और इरीगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर क्रॉस ड्रेन्स, कलवर्ट्स, जहाँ ट्रैफिक मीडियम रहता है, फॉर मीडियम ट्रैफिक। इसके बाद है NP4। ये NP4 मतलब रिइंफोर्स्ड और अनरिइंफोर्स्ड कंक्रीट हेवी ड्यूटी पाइप्स। ये फॉर ड्रेनेज और इरीगेशन के लिए यूज़ किया जाता है और फॉर क्रॉस ड्रेन्स, कलवर्ट्स, कैरिंग हेवी ट्रैफिक, जहाँ हेवी ट्रैफिक है वहाँ NP4 का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रेशर पाइप। प्रेशर पाइप में आप देखेंगे P1, ये रिइंफोर्स्ड कंक्रीट पाइप्स है, ये RCC पाइप है, टेस्टेड टू हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 0.2 MPa 20 मीटर हेड के लिए। मतलब इस पाइप को एक हाइड्रोलिक प्रेशर 0.2 MPa 20 मीटर हेड के लिए टेस्ट किया जाता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? फॉर यूज ऑफ ग्रेविटी मेन्स, द साइट टेस्ट प्रेशर नॉट एक्सीडिंग 2/3 ऑफ हाइड्रोलिक टेस्ट प्रेशर। ग्रेविटी मेन्स में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बाद में P2 प्रेशर पाइप्स, ये रिइंफोर्स्ड कंक्रीट पाइप्स टेस्टेड टू हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 0.4 MPa, इसमें 40 मीटर हेड। इसका क्या इस्तेमाल होता है? फॉर यूज ऑफ पंपिंग मेन्स, यहाँ साइट टेस्ट प्रेशर नॉट एक्सीडिंग हाफ और हाइड्रोलिक टेस्ट प्रेशर। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये पंपिंग मेन्स में यूज होता है, जहाँ साइट टेस्ट प्रेशर जो हाफ ऑफ हाइड्रोलिक टेस्ट प्रेशर से ज़्यादा नहीं है वहाँ इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद है P3 एक
रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पाइप्स जो टेस्ट किया जाता है 0.6 MPa फॉर 60 मीटर हेड। ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ये फॉर यूज ऑफ पंपिंग मेन्स द साइड टेस्ट प्रेशर नॉट एक्सीडिंग हाफ ऑफ हाइड्रोलिक टेस्ट प्रेशर, मतलब मेनली पंपिंग मेन में यूज होता है, हाइड्रोलिक टेस्ट प्रेशर से हाफ से भी ज़्यादा एक्सीड नहीं होता, वहाँ ये पी3 पाइप का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।